मेरी और नई वीडियो में कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में बताऊं जो नेहा धूपिया जी ने जो फेमिनिज्म की मिसाल कायम करी है उसके बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा वो किस हद तक सही भी थी। तो वीडियो में आगे बढ़ते इससे पहले मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है यतीन अग्रवाल और आप देख रहे चैनल फिल्मी यतीन। तो बिना किसी के फालतू ज्ञान के आइए इस वीडियो को शुरू करें। तो भाई जो आजकल के ट्रेंड में चल रही है नेहा धूपिया जी, उनके साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और वो बिचारी उनमें जाके फंस गई और उनके ऊपर मीम पे मीम बने जा रहे हैं। अब तो उनके साथ कुछ हुआ कैसा कि एक लड़का आया सनी नाम का, उसने बिचारे ने अपने दिल की बात रखी और उसने बताया कि कैसे वो एक लड़की से रिलेशन में आया और उस लड़की ने उसका काट दिया। बिचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, उस लड़की का रिलेशन उसके साथ चार के साथ और था। तो जब उसको पता चला उसने उस लड़की को चटका दिया गाल पे, और यही सुन के नेहा धूपिया जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस लड़के को चटका दिया पूरी तरह से। और उनके साथ जो जजेस बैठे थे प्रिंस नरूला जी, भाई साहब जज की कुर्सी दे रखी है महाराज को, और वो भी उस लड़के को चटका रहे थे। और साथ में एक और महाराज बैठे थे हमारे गज्जू भाई, वो भी उस लड़के को पूरी तरह ही बेस्ती कर दी उस लड़के की। मेरे से लड़के आ रहा है, मेरे से लड़ तू है कौन, मेरे को मार के दिखा, अपना गुस्सा दिखा। तो भाई साहब पूरे उससे भिड़ गए थे। तो ये सब उनके साथ नेहा धूपिया जी ने भी अपना पूरा एक लंबा सा लेक्चर दिया कि तुम इसके साथ तुम हाथ कैसे लगा सकते हो, तुमने उसे मारा कैसे, तुम उसका फिजिकल कैसे हो सकते हो। और उन्हीं नेहा धूपिया जी ने एक लड़की ने जब एक लड़के को पीट दिया उस पे उसने उस लड़की की वाहवाही करी। तो नेहा धूपिया जी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और अभी अभी उन्होंने पीछे ही एक दो दिन पहले अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला कि मैंने सिर्फ वायलेंस के खिलाफ बोला था उस लड़के को, तो उस लड़की ने क्या वायलेंस नहीं किया, उस लड़की ने प्यार किया क्या, तो आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, कई हद तक नेहा धूपिया जी सही भी थी। वो उस लड़के ने जो चटकाया लड़की को, मान सकते हैं कि कईयों के नजरिए में वो गलत भी हो सकता है, वो लड़का कुछ और भी कर सकता था, उसके घर वालों को बता सकता था, ये सब कर सकता था, लेकिन उस लड़के ने सीधा चटका दिया। तो इस बात को बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया गया और नेहा धूपिया जी को सर पे चढ़ा दिया गया। और आप देख ही सकते हैं इंस्टाग्राम पे उन पे मीम बनी जा रहे हैं, कितने जबरदस्त मीम बना रहे हैं मीम मेकर। भाई साहब मीम से पंगा नहीं लेने का, उठा देते हैं और गिरा भी वही देते हैं। तो ये सब हुआ है उस लड़के के साथ, और उन्होंने ये चीज तो भाई गलत ही करी। उस लड़के को इतना बोलना नहीं चाहिए था, वो लड़का चाहे थोड़ा बहुत एटीट्यूड में होगा उसको समझा सकते, अपने एटीट्यूड से बाहर निकल, तू शो के लायक नहीं है। उन्होंने उसे बेइज्जती करके निकाला, चल निकल चल निकल चल निकल, ऐसे कौन निकालता है भाई, थोड़ा इज्जत तो रखो भाई, बेचारा आया है तुम्हारे शो पे, तुम ऐसे निकालोगे उसकी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। तुमने उसका इंडियन नेशनल टेलीविजन पे उसकी इज्जत उतार ली। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है नेहा धूपिया जी के साथ, उन्होंने बहुत बोला इस पे, हमारे हिंदुस्तानी भाऊ जी ने भी नेहा धूपिया जी को कहा मैडम आप ये क्या कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया। सो गाइज, ये जो मैंने वीडियो बनाई है मैंने बस यही बताने के बताई, इसमें मैंने किसी का कोई बेइज्जती नहीं करी, किसी को सही नहीं ठहराया, किसी को गलत नहीं ठहराया। I am just telling you about this, okay? So guys, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कोई अगर इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन आपके पास आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टाटा गुड बाय, टेक केयर फ्रॉम कोरोना।